ये बिरयानी हमारी बहुत अच्छी बहुत टेस्टी तैयार हुई, आप लोग भी ट्राई करके देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी बनी है। चलो शुरू करते हैं बनाना। आज हम आपको बताएंगे मुरादाबादी चिकन बिरयानी कैसा बनाते हैं। सबसे पहले हम पतीली गरम कर लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे, 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे और इसमें 2 मीडियम प्याज कट कर लिए लंबी लंबी, इसका हम बिलिस्ता बना लेंगे। बिलिस्ता बन रहा है जब तक हम अपना चिकन मैरिनेट करेंगे। अब ये हमारा 1/2 किलो चिकन है, इसके लिए ये अच्छे गरम मसाले ले लेंगे, 2 बड़ी इलायची है, 1 चम्मच जीरा है, 5 लौंग है, 5 छोटी इलायची है, काली मिर्च है 1 चम्मच, तेज़पत्ता है 2, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, और ये बादयान के फूल हैं, ये भी 1/2 चम्मच करीब होंगे। तो ये इसमें अच्छे ही मसाले पड़ेंगे, पीसे मसाले नहीं जाएंगे, इसको हम इसमें डाल देंगे। और ये 5-6 मिर्च है, आप ज़्यादा खाते हैं तो मिर्च और भी डाल सकते हैं, ये हरी मिर्च ऐसी कट करके इसको डाल दिए। इसमें 2 टीस्पून नमक जाएगा, नमक भी अपने हिसाब से ही डालिए, 2 टीस्पून डाल दिए हमने। अब इसमें 1 कप दही जाएगा, यानी 250 ml है, और इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसमें टमाटर नहीं पड़ता इसलिए दही अच्छी डालनी पड़ती है। अब 1 चम्मच सौंफ है, इसको हमने दरदरा कर लिए थे मिक्सर में डालकर, 1 चम्मच ये जाएगा, और 1 चम्मच धनिया पाउडर भून कर उसको भी दरदरा करके लेंगे, वो भी जाएगा इसमें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। अब ये प्याज हमारी लाल हो गई है, अब इसी में हम वो चिकन जो है इसी में मैरिनेट कर देंगे 1 पत्ती में। आपके पास टाइम है तो मैरिनेट के लिए रखें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी पका सकते हो। अब ऐसा रख के 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते, बस अब ऐसा रख के हम 1/2 घंटा रख रहे हैं, उसके बाद पकाना स्टार्ट करेंगे। 1/2 घंटे हो गए हैं, चिकन मैरिनेट हो गया, अब गैस ऑन कर देंगे हम। अब इसको 15 मिनट के लिए मीडियम आँच पर इसको पका लेंगे, तो थोड़ा से चिकन गल जाएगा फिर हम इसको देखते हैं। चिकन हमारा पक रहा है, जब तक हम चावल भिगा देते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए भिगा देंगे 1/2 किलो बासमती चावल। आप 750 ग्राम भी ले सकते हो अगर चिकन कम खाते हो तो, नहीं ज़्यादातर बराबर में सही रहता है। 20 मिनट हो गए हैं, अभी इसको खोल कर देखेंगे इसमें कितना क्या है। अभी देखो हमने पानी एक ज़रा से भी नहीं डाला था, और उसका दही और चिकन का पानी इतना निकला है। इसको गैस फास्ट करके इसको अच्छे से भून लेंगे। अब ये भून रहा है, जब तक इसमें हम वो दरदरी धनिया जो पीसे थे मिक्सर में और ये सौंफ, दोनों 1-1 चम्मच और डाल देंगे इसमें। सौंफ और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको खूब अच्छे से भून देंगे इसको। अब ये चिकन हमारा भूनने आया है, अब इसमें हम चावल और पानी सब डाल देंगे इसमें। ये एकदम सिंपल और एकदम अच्छी बनती है, टेस्टी रहती है, जो मसाला कम खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है ये, और फटाफट से बन जाती है, एकदम इजी तरीके से बन जाती है। अब ये भून भी गया है और ये चिकन पक भी गया है, 70% पका हो गई है। अब इसमें चावल के साथ थोड़ा पक जाएगा। अब ये चावल जो रखे थे 1/2 किलो उसको भी डाल देंगे इसमें। 1/2 किलो यानी 2 मग हमने नाप कर लिए थे चावल। अब इसमें 2 मग में 3 मग पानी जाएगा। अभी इसमें पानी डाल देंगे 3 मग के करीब, इसका पानी एकदम परफेक्ट रहेगा इसमें। ये गीली बिरयानी नहीं अच्छी लगती, थोड़ा सूखा खुला खिला सा चावल रहेगा तो बहुत टेस्टी लगता है।
अब ये बिरयानी हमारी बॉईल होने लगी है, अब इसमें केवड़ा एसेंस डाल देंगे धड़कन। और आपको खट्टा पसंद हो तो थोड़ा आप एक नींबू भी डाल सकते हो, एक नींबू का जूस डाल देंगे। और अगर आपकी पतीली पतली है तो नीचे आप तवा लगा सकते हो, अगर मोटी है तो कोई बात नहीं, ऐसी दम हो जाएगा इसका। बस अभी हमारा अच्छे से बॉईल हो जाए, फिर इसको हम स्लो करके इसको ढक्कन बंद करके इसको रख देंगे, 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छे से पकने लगी है, बहुत अच्छी बॉईल हो गई है। अब फ्लेम स्लो करेंगे और इसको ढक्कन बंद करके इसको 15 से 20 मिनट तक इसको खोलेंगे नहीं, 20 मिनट बाद हम देखेंगे, स्लो पे ही रहेगा ये। तो ऐसा तैयार होती है चिकन मुरादाबादी बिरयानी हमारी, तैयार हो गई, 20 मिनट हो गए। चलो खोल कर दिखाते हैं, ये देखो हमारी कितनी अच्छी बनी है। अब इसको ऐसा उल्टे चम्मच से फोड़ देंगे, सीधे से नहीं फोड़ेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। अगर पसंद हो तो इसमें कलर भी डाल सकते हो, या तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हो। इस बिरयानी को सलाद, रायता, कचूमर जिससे आपको पसंद है उससे खा सकते हो। ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, और नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।